टू माई यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिस्टमिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको मेटाबॉलिक चेंजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में एक तो सबसे पहले टोटल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, दैट इज इंक्रीज इन द टोटल मेटाबॉलिज्म टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग फीटस एंड यूट्रस। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाएगा 30%। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन प्रेगनेंसी होता है। ब्लड यूरिया डिक्रीज हो जाएगा बाय 15 to 20 mg/cent, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होंगे वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो ब्लड यूरिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ में यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, या तो ये डिक्रीज हो जाएगा या फिर ये अनचेंज रहेगा। अमीनो एसिड्स जो होंगे ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे प्लेसेंटा से फीटस में। Then we will talk about carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism में क्या होगा? Glucose increase हो जाएगा और फिर ये mother से fetus में चला जाएगा। अब क्योंकि glucose increase हो जाएगा तो glucose क्या करता है? Insulin के secretions को increase करता है by causing hypertrophy and hyperplasia of beta cells of pancreas. साथ ही साथ में ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है, दैट इज टिश्यू रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, और इसी की वजह से कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई टू फीटस मेंटेन रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है प्रेगनेंसी में, ये किन हार्मोन्स की वजह से होता है? तो ये मेनली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन की वजह से होगा। अब क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से क्या होगा? लाइपोजेनेसिस स्टिमुलेट हो जाता है, दैट इज फैट स्टोरेज। इसीलिए अगर कभी भी मैटरनल फास्टिंग की बात करते हैं, ड्यूरिंग मैटरनल फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज कम हो गया तो इंसुलिन भी कम हो जाएगा, लिपिड्स इंक्रीज हो जाएंगे और कीटोन बॉडीज जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब लिपिड्स जो इंक्रीज होंगे ये फ्री फैटी एसिड्स में चेंज हो जाएंगे और इससे एनर्जी की सप्लाई होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ग्लूकागॉन दूसरा हार्मोन होता है पैंक्रियास से जो रिलीज होता है ये नॉर्मल रहता है। प्रेगनेंसी में ग्लाइकोसूरिया भी कुछ 50% वुमेन में देखा गया है। इसमें क्या होगा कि जो रीनल थ्रेशोल्ड होती है ग्लूकोज की वो इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मली 180 mg/cent होगी, इसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। फिर फैट के मेटाबॉलिज्म पे बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो 3 to 4 kg फैट जो होगा ये स्टोर्ड हो जाता है एब्डोमिनल वॉल में, ब्रेस्ट में, हिप्स पे एंड थाइस पे।
क्यों इंक्रीज हो गए फैट का स्टोरेज? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड लैप्टिन. ठीक है, इनकी वजह से फैट का स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है. फिर हम लिपिड के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा, कौन सा डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी बात करते हैं. इसमें क्या होगा कि जो HDL होता है, जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये 15% इंक्रीज हो जाता है. जो LDL होता है ये 40% इंक्रीज होता है. वैसे तो LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लेकिन इसका क्या फंक्शन होता है फीटस में, ये प्लेसेंटा से स्टीरॉइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है. मतलब कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा. साथ ही साथ में ट्राइग्लिसराइड्स भी 50% इंक्रीज हो जाते हैं. लेकिन ये जो हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, ये एथरोजेनिक नहीं होता है प्रेगनेंसी में. इट्स नॉट एथरोजेनिक. एंड देर इज ऑल्सो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज. ठीक है, देन वील टॉक अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज अनीमिया इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन फेरस फ॑र्म, दैट इज Fe+2 फॉर्म. कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? फ्रॉम ड्यूडिनम एंड जुजिनम. देन इट इज रिलीज इन टू द सर्कुलेशन एस ट्रांसफरिन. ओनली 10% ऑफ द इंजेस्टेड आयरन इज एब्सॉर्ब्ड. टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 1 ग्राम. And during second half of pregnancy, it's more. So, daily iron requirement is 6 to 7 milligram. As you all know, pregnancy is a stage of iron deficiency. Because amount of iron absorbed from diet plus that is mobilized from stores is inadequate to meet the demand of growing fetus. So if iron is not supplemented, if we do not supplement iron, then there will be decrease in the hemoglobin levels, serum iron levels and serum ferritin levels. लेकिन iron तो का supplementation नहीं दिया, iron deficiency हो गई, लेकिन तब भी placenta adequate amount में iron को mother से fetus तक transfer कर देता है, जिससे कि fetus में iron deficiency ना हो. तो ये सब कुछ metabolic changes related to pregnancy थे. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय.